हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शगुफ्ता और आप देख रहे हैं माय किचन माय डिश। आज माय किचन माय डिश में मैं आपको बड़ी ही स्पेशल सी आइसक्रीम बनाना बताने जा रही हूं। ये मेरे बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट है। मेरे बच्चे तो अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, लेकिन ये बचपन से आज तक उन्हें पसंद है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो मैंने बनाने के लिए सबसे पहले 1 लीटर फुल क्रीम दूध को पैन में गर्म होने रख दिया है और इसे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक कि ये 1 लीटर दूध 1.25 लीटर हो जाए, मीन्स 3/4 लीटर, 3/4 लीटर। प्याली में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लूँगी और उसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून पानी और उसे ऐसे मिक्स कर दूँगी। इस तरह मिक्स करूँगी कि पूरा कॉर्नफ्लोर और पानी एक साथ मिक्स हो जाए। अब इसके बाद मैं इस मिक्सचर के अंदर इसे मिलाऊँगी और लगातार तब तक चलाऊँगी जब तक कि कॉर्नफ्लोर पूरा पक जाए। इसे बहुत गाढ़ा नहीं करना है, बस कॉर्नफ्लोर मिलाने का पर्पज़ यह है कि उसके अंदर जब हम जमाएं तो बर्फ़ के क्रिस्टल्स ना बने। कॉर्नफ्लोर मिलाने से दूध में बर्फ़ के क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से मैंने पका दिया। अब इसके अंदर मैं शुगर मिलाऊंगी। आप देखिए ये बिल्कुल कॉर्नफ्लोर मिलाने से गाढ़ा नहीं हुआ है। 2 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाया गया है 1.25 लीटर गाढ़े दूध में और 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शुगर मिलाया है। क्योंकि शुगर मैं इसमें ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी, मैं इसके अंदर व्हिप्ड क्रीम मिलाने वाली हूँ। तो व्हिप्ड क्रीम अपने आप में खुद मीठी होती है, इसलिए शुगर मैंने कम डाला है। अगर आप बिना शुगर वाली क्रीम मिलाएं तो शुगर अपने हिसाब से एडजस्ट करें। उसे मैंने उस मिक्सचर को ठंडा होने रख दिया है क्योंकि उसे रूम टेम्परेचर पर आना चाहिए। और इतनी देर में मैं ये व्हिप्ड क्रीम लूँगी। ये करीब 400 ग्राम है। ये 400 ग्राम व्हिप्ड क्रीम बिल्कुल चिल्ड है। चिल्ड मीन्स बिल्कुल फ्रीज़र में एकदम ठंडी है, कुछ कुछ जमी हुई सी है। तो मैं अब इसे इस ब्लेंडर से फेटूंगी, व्हिप करूंगी और ये क्वांटिटी में जितनी दिखाई दे रही है उससे ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी व्हिप होकर। तो इसे ऐसे लगातार इस ब्लेंडर की मदद से फेटना है जब तक कि ये क्वांटिटी में डबल ट्रिपल हो जाए और बिल्कुल थिक हो जाए। ये काम आप चाहें तो विस्कर से भी कर सकते हैं अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है, और मिक्सी में भी लोएस्ट स्पीड के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन इसे इस ब्लेंडर से जब बनाते हैं तो ये सबसे अच्छी व्हिपिंग होती है। अब ये देखिए व्हिप हो गई और बिल्कुल थिक हो गई है। ये देखिए गिरती नहीं है, इसकी पहचान ये है कि ये गिरती नहीं है। जब ये पूरी अच्छी तरीके से फेंट ली जाती है तो गिरती नहीं है। अब इसके अंदर मैं वो जो हमने दूध का मिक्सचर बनाया था वो ठंडा हो चुका है, उसे इसके अंदर मिला देंगे। अब ये इसे अच्छी तरीके से 2-3 मिनट तक इस ब्लेंडर की मदद से मिक्स कर लेंगे तो वो व्हिप्ड क्रीम और वो दूध का मिक्सचर सब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। अभी हम इसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं मिला रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर, अगर आपको प्लेन एक ही कलर रखना है, वाइट रखना है या वेनिला बनाना है, तो यहाँ पर आप वेनिला एसेंस मिलाकर इसे जमा सकते हैं। लेकिन मुझे इसे 3 कलर में जमाना है तो मैं इस प्लेन आइसक्रीम को अभी ऐसे ही जमा लूँगी। इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी 3 से 4 घंटों के लिए। 3 से 4 घंटों में ये आधी जम जाएगी, पूरी नहीं जमेगी, आधी जम जाएगी। तो फिर उसके बाद मैं इसे निकालूँगी और इसमें अलग अलग कलर मिलाऊँगी। ये देखिए मैंने इसे फ्रीज़र में ढक के रख दिया है और फ्रीज़र को मैं हाईएस्ट स्पीड पे चलाऊँगी। अभी देखिए मेरा फ्रीज़र लोएस्ट स्पीड पे चल रहा है। अभी मैं इसका टेम्परेचर घटाऊँगी और इसे हाईएस्ट स्पीड पे चलाऊँगी, मीन्स हाईएस्ट कूलिंग पे। और मैंने इसे 4 घंटे के लिए रख दिया है। ये देखिए 4 घंटे कंप्लीट हो गए हैं और ये आइसक्रीम मेरी आधी से ज़्यादा जम चुकी है। अंदर कुछ कुछ वो लिक्विड है अभी भी। तो मैं इसके इसमें 3 कलर मिलाने वाली हूँ और 3 फ्लेवर मिलाने वाली हूँ। तो मैं करूँगी इसके 3 पार्ट। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे, शुरू करते हैं। मैंने ये एक नाइफ़ लिया और इसके ऐसे 3 पार्ट कर दिए। देखिए नाइफ़ मेरा बहुत आसानी से इसके अंदर चला गया है। तो इस एक दूसरा बॉल लेंगे और उसके अंदर हम ये इस 1 पार्ट को निकाल लेंगे। ये 1 पार्ट आइसक्रीम मैंने निकाल ली और वो जो 1 पार्ट मैंने निकाला है अब मैं उसे फिर से ब्लेंडर की मदद से फेटूंगी।
तो वो एकदम फिर से क्रीमी हो जाएगी। जब जमी हुई आइसक्रीम को इस तरीके से हाईएस्ट स्पीड पर फेंटते हैं तो वो एकदम क्रीमी हो जाती है और बिल्कुल पेस्तनजी की आइसक्रीम का लुक आता है और टेस्ट भी आता है। और पेस्तनजी से किसी सूरत में कम नहीं। मैंने उसे आधे घंटे के लिए अब रख दूंगी। इसमें मिलाऊंगी मैं येलो कलर, क्योंकि मुझे येलो कलर डालना है। और इसमें डालूंगी मैं ये पाइनएप्पल का एसेंस। तो ये येलो कलर के अंदर मैंने पाइनएप्पल का एसेंस मिला दिया, तो इसका फ्लेवर पाइनएप्पल का हो जाएगा। तो इसे भी अच्छी तरीके से ब्लेंडर की मदद से मिला देंगे। ये मिला दिया पूरा अच्छी तरीके से, कलर और एसेंस मिल गया। अब मैं ये फाइनल आइसक्रीम को जमाने के लिए मैंने ये एक फ्रीज़र में का बॉक्स लिया है। आप चाहें तो अपने किसी भी मोल्ड में जमा सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर ये एक येलो कलर और पाइनएप्पल फ्लेवर का आइसक्रीम का लेयर डाल दिया। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए जमने रख लूँगी। सेकेंड पार्ट मैं लूँगी, आधा घंटा कंप्लीट होने के बाद मैं ये सेकंड पार्ट फेटूंगी। तब तक ये पूरी आइसक्रीम फ्रिज में रखी थी, आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। इसे फेटने के लिए मुझे मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेंगे। ये बाकी की आइसक्रीम वापस मैं फ्रीज़र में रख दूंगी, वो थर्ड कलर के लिए है। अब इस ये आइसक्रीम अब ये जो है सेकंड पार्ट जो है मेरा, ये पूरी जमी हुई है, तो मैं इसे अब इसी तरीके से फेटूंगी। और इस तरह फेंटने में वो पहले तो ऐसे पाउडर के जैसी हो जाएगी ब्लेंडर की मदद से, फेंटते 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 फिर वो एकदम क्रीमी होगी। देखिए ये क्रीमी होना शुरू हो गई है। यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वैनिला फ्लेवर। मैंने 1 चाय का चम्मच वैनिला एसेंस डाल दिया इसके अंदर और मैं इसे फिर से फेंटूँगी। इसे भी इतनी अच्छी तरीके से फेटेंगे कि ये आइसक्रीम भी जब ये एकदम फूल जाएगी तो ये गिरेगी नहीं और एकदम क्रीमी हो जाएगी। वही आइसक्रीम का वही मज़ा होता है। तो ये भी मैंने फेंट ली सेकंड कलर, और ये पहले वाला जो है ये आधे घंटे में अच्छे से जम चुका है। तो अब मैं जब इसके ऊपर ये लेयर डालूंगी तो ये दोनों कलर आपस में मिक्स नहीं होंगे। नीचे वाला लेयर भी जम चुका है और ऊपर से ये बिल्कुल थिक आइसक्रीम मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो अब जो देखिए आप, पहले वाला मैंने आधे घंटे के लिए जमाया पहला वाला लेयर, क्योंकि उसमें लिक्विड आइसक्रीम थी। लेकिन ये दूसरे वाले लेयर में आइसक्रीम बिल्कुल लिक्विड नहीं थी। जमी हुई आइसक्रीम को मैंने फेंटा और वो बिल्कुल क्रीमी हो गई, तो मैंने उसे इसके ऊपर डाल दिया है। अब मैं इस बॉक्स को वापस फ्रीज़र में रखूँगी और तुरंत ही थर्ड फ्लेवर के लिए आइसक्रीम को फेंटना स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए मैंने तीसरा हिस्सा ले लिया और अब मैं इसे भी फेंटूँगी। अब मुझे आधे घंटे वेट करने की ज़रूरत नहीं है तीसरा लेयर डालने के लिए। तो अब मैं इसे भी उसी तरीके से फेंटूँगी, पहले वो क्रिस्टलाइज होगी और उसके बाद वो क्रीमी हो जाएगी। तो ये उसका नेचुरल प्रोसेस है कि वो जब फेंटना स्टार्ट करते हैं तो पहले वो क्रिस्टलाइज होती है और उसके बाद वो क्रीमी हो जाती है। तो ये देखिए क्रीमी होना शुरू हो गई है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर मिलाऊंगी स्ट्रॉबेरी एसेंस, और स्ट्रॉबेरी का कलर लाने के लिए मैं इसके अंदर रेड पाउडर कलर मेरे पास है वो मैं डालूंगी। अब इसे भी अच्छी तरीके से ऐसे मिक्स करेंगे तो ये कलर और एसेंस दोनों ही मिक्स हो जाएगा। तो पहले वाला पाइनएप्पल फ्लेवर, उसके ऊपर वैनिला फ्लेवर, और उसके ऊपर से ये स्ट्रॉबेरी और पिंक कलर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और पिंक कलर। तो इसे भी क्रीमी होने तक फेटेंगे। इसे भी इतना प्रोसेस करने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। और ये देखिए आइसक्रीम पूरी अच्छी तरीके से फेटी जा चुकी है और बिल्कुल क्रीमी हो चुकी है। और ये देखिए ब्लेंडर में से गिरती नहीं है ये, तो इसे साइड में रखेंगे, ब्लेंडर को साइड में रखेंगे। फिर से उस बॉक्स को बाहर निकाला हमने और उसके ऊपर से ये तीसरा कलर लगाएंगे आइसक्रीम का डाल देंगे। अब ये तीनों ही कलर आपस में मिक्स नहीं होंगे, आप ये ध्यान देने वाली चीज़ है। इस तरीके से करने से जो लेयर्स हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं और आपस में मर्ज नहीं होते हैं। अगर लिक्विड आइसक्रीम रहेगी तो वो आपस में मिक्सअप हो जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। पहला वाला लेयर हमने
पहले आधे घंटे तक जमाया इसके अंदर डालने के बाद, लेकिन दूसरे और तीसरे लेयर के लिए मुझे जमाना नहीं पड़ा क्योंकि वो आइसक्रीम पूरी जमी हुई थी। ये देखिए तीनों लेयर अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे। अब मैं इसे इस बॉक्स को वापस फ्रीज़र में डालूंगी और इसे आप चाहें तो इसे फोइल से कवर कर सकते हैं। देखिए मेरा फ्रीज़र जो है हाईएस्ट कूलिंग पे चल रहा है और अब मैं इसे 3 से 4 घंटे तक के लिए जमने दूंगी। 3 से 4 घंटे जमाने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। अब ये देखिए 4 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और ये मेरी आइसक्रीम, 3 लेयर की आइसक्रीम, 3 कलर की आइसक्रीम बड़ी खूबसूरती से जम के तैयार है। ये देखिए मैंने इसके स्लाइसेस काटे हैं और इसे सजाया है मैंने, गार्निश किया है मैंने अपने रूह अफ़ज़ा से। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स से या जिस भी चीज़ से चाहें आप इसे गार्निश कर सकते हैं। मुझे ये ऐसे ही प्लेन पसंद है, मेरे घर में मेरे बच्चों को भी ये ऐसे ही प्लेन पसंद है। ड्राई फ्रूट्स वो निकाल कर फेंकते हैं, इसलिए मैंने नहीं डाला है। मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये रूह अफ़ज़ा और ये बड़ी खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बन के तैयार है। तो आप भी बनाएं और जब बनाए तो फोटोज़ क्लिक करके मेरे FB के पेज पर पोस्ट करें, और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।